आदाब, मैं हूं अनवर खान। आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। अलीगढ़ राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राघव के नेतृत्व में राज्यपाल प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर आयुक्त अलीगढ़ मंडल को सौंपा गया, जिसमें मांग की है कि मीडिया संस्थानों पर छापेमारी से राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में पनपा आक्रोश, देश के मीडिया संस्थानों पर आयकर के छापे की कार्रवाई पर पत्रकारों के बीच आक्रोश व्याप्त है, मीडिया संस्थानों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बाधित होना लोकतंत्र के लिए खतरा है, सरकार द्वारा मीडिया संस्थानों पर बदले की कार्रवाई की जा रही है, कोरोना की दूसरी लहर में हकीकत का आईना सरकार को दिखाया जिसका खामियाजा मीडिया संस्थान भुगत रहे हैं, भारत की सरकार में प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के आदर्श मूल्यों की स्थापना के लिए निर्धारित है, यदि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ पर बदले की कार्रवाई की गई या उनका दमन किया गया तो समाज के हित में अच्छे परिणाम नहीं होंगे। पत्रकार बदले की कार्रवाई को रोकने की मांग करते हैं, भारत सरकार की तानाशाही और दमनकारी नीतियों से मीडिया का दमन किया जा रहा है, सच की आवाज को दबाना लोकतंत्र की हत्या का कदम है, मीडिया जनता की आवाज है। पत्रकारों के ठिकानों पर छापे मार कर रही है ईडी। ईडी के उत्पीड़न से परेशान होकर पत्रकार सभी परेशान हैं और अलीगढ़ में भी पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। इसके लिए अपर आयुक्त अलीगढ़ मंडल को ज्ञापन सौंपा गया है, मांग की गई है कि पत्रकारों का उत्पीड़न रोका जाए। आगे अगर पत्रकारों का उत्पीड़न इसी तरह होता रहा तो राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा, धरना प्रदर्शन भी करेगा, भूख हड़ताल भी करेगा। यहाँ पे किस तरह का आश्वासन मिला है आपको? अपर आयुक्त अलीगढ़ मंडल ने आश्वासन दिया है कि वो हमारा ज्ञापन राज्यपाल महोदय को शीघ्र ही प्रेषित करेंगे। अगर इसी तरह उत्पीड़न चलता रहा और समाधान नहीं हुआ तो राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ किस तरह का कदम उठाने को मजबूर होगा? राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। इसमें प्रशासन का कोई सहयोग मिल रहा है क्या? प्रशासन का इसमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रशासन के द्वारा किस तरह से जो उत्पीड़न होगा? प्रशासन द्वारा पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, आए दिन पुलिस बिना जांच के ही पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लगा देती है, वो इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके बाद पत्रकार का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन ये सब उल्टा हो रहा है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र राघव, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ जिला अध्यक्ष। ज्ञापन देने आए? मैं मुशीर अहमद खान, चेयरमैन उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ। आज हम सारे पत्रकार लोग इकट्ठा होकर एक ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम, जिसको लेकर जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, आए दिन हर तरीके से पत्रकारों को परेशान किया जाता है। अगर किसी एक आम आदमी पे कोई मुकदमाबाजी या कोई एफआईआर की बात हो तो उसमें पुलिस सोचती है, लेकिन जहां एक पत्रकार का मामला आता है तब वहाँ तुरंत ही मुकदमा कायम हो जाता है। इसको लेकर आज सारे देश भर में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और अगर इस बात की कार्रवाई अगर सही से नहीं हुई तो हो सकता है भूख हड़ताल भी करें। इससे पहले जो है राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने कप्तान साहब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन दिया है, वहाँ से किस तरह का आश्वासन मिला और यहाँ से किस तरह का आश्वासन मिला है? देखिए, वहाँ से जो आश्वासन मिला था वहाँ तो मिलता ही है, जैसा भी मिलता है होता कुछ नहीं पत्रकारों के लिए, लेकिन यहाँ हमने राज्यपाल जी महोदय के नाम हमने जो ज्ञापन दिया है तो यहाँ के जो अपर आयुक्त है उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि उसको हम राज्यपाल तक पहुँचाएंगे और आगे मांगे पूरी नहीं होती है इसी तरह से भूख हड़ताल भी करेंगे। तो राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ किस तरह का कदम उठाने को? धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे, जो सब करते हैं उससे ज्यादा करेंगे। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता।